प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत ने सदा ही मालदीव के लिए प्रथम उत्तरदाता की भूमिका निभाई। दोनों देशों के बीच कई मामलों पर हुआ समझौता। केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलवाद से जुड़े सभी युवाओं से हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आने की अपील की। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी का हुआ समापन। और राजनांदगांव में आयोजित 24वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का रंगारंग समापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अंकित मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने सदा ही मालदीव के लिए प्रथम उत्तरदाता की भूमिका निभाई है। नई दिल्ली में मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी किया। इस वक्तव्य में कहा गया है कि भारत ने सदा ही एक पड़ोसी के रूप में अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। उन्होंने कहा कि भारत ने मालदीव के लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पेयजल उपलब्ध कराना और कोविड के दौरान टीके भी दिए हैं। सदियों पुराने हैं और भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन ने मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है इन दोनों में। भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है, चाहे मालदीव के लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत पूरा करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है। वहीं अपने वक्तव्य में डॉक्टर मुइज्जू ने कहा कि उन्होंने तथा प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों की सफल विकास यात्रा पर नजर डालते हुए विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने दोनों देशों के बीच भविष्य के सहयोग की रूपरेखा भी बनाई है। Agreement with India, which will enable us to harness the full economic potential between our countries and to increase Indian investments in both our tourism and various sectors of development. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डॉक्टर मुइज्जू के साथ मालदीव में हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया और मालदीव में रुपे कार्ड भुगतान का भी शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से देश से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म किया जा रहा है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा है और इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। श्री शाह ने नक्सलवाद से जुड़े सभी युवाओं से हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आने की अपील की है। विकास और नक्सली ऑपरेशन दोनों की दृष्टि से एक डिटेल रणनीति का हमने चौकआउट करने का काम किया था। आज मैं फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, उनके डीजीपी, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742 ने आत्मसमर्पण किया है। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। यहां पर
जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है, मेरा उनसे आग्रह से विनती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं, बहुत ल्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए और देश के विकास में आपका योगदान दीजिए। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और केंद्र, राज्यों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी विचार विमर्श में भाग ले रहे हैं। इससे पहले एक बयान में गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें कहा गया है कि केंद्र वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य सरकारों को नक्सलवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई में हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 5 अक्टूबर से आयोजित सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी का आज समापन हुआ। इस कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि भारतीय सेना राष्ट्र सेवा का प्रतीक है, इसमें शामिल होकर राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। सैन्य प्रदर्शनी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवाओं में साहस और समर्पण की भावना उत्पन्न होगी। छत्तीसगढ़ के युवा भी सेना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और देश की सुरक्षा में तत्पर रहेंगे। आज सैन्य समारोह यहाँ हुआ है, यहाँ अद्भुत है, हमें बहुत अच्छा लगा है और शायद इसमें जो दिखाया गया वो देख के हमारा जो छत्तीसगढ़ का युवा हुए हैं वो लोग फ्री ढंग टू ज्वाइन आर्मी और होपफुली देयर विल बी अ कैंप फॉर ज्वाइनिंग इन रायगढ़ रिसेंटली, दे विल कम विद अ लार्ज नंबर एंड होप दे विल गेट अ जॉब, दे विल सर्व द कंट्री। समारोह के दौरान एनसीसी कैडेटों का शानदार घुड़सवारी प्रदर्शन, जाबाज सैनिकों का डेयर डेविल मोटर साइकिल शो, गोरखा रेजिमेंट का खुखरी डांस प्रस्तुतिकरण, हेलीकॉप्टर से सलामी, सैन्य छापेमारी, मिलिट्री बैंड कॉन्सर्ट और अन्य विविध कार्यक्रमों की प्रस्तुति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा उप क्षेत्र के ब्रिगेडियर अमन आनंद को छत्तीसगढ़ शासन की ओर से मानपत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया। सेना के अधिकारियों ने उपस्थित अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दादू आग का तारा मतलब बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भावी पीढ़ी को वन एवं वन्य जीवों का महत्व बताने उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण संवर्धन सप्ताह के अंतर्गत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाटक प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया, जिसमें 13 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। स्कूलों में आयोजित प्रतियोगिता के विजयी बच्चों को मुख्य अतिथि पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन मांझी और उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट के उपनिदेशक वरुण जैन द्वारा पुरस्कृत किया गया। पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन मांझी ने कहा कि नई पीढ़ी को वनों और वन्य जीवों से परिचित कराने की यह अच्छी पहल है। वन पशुओं से क्या लाभ है, जब तक के वन नहीं रहेंगे तो वन पशु रहेंगे नहीं, तो हमको वनों की कैसे हम रक्षा कर सकते हैं, इसके लिए हमारी युवा पीढ़ी को ही जागृत होने की जरूरत है। आने वाला समय इन्हीं का है और ये जब तक के इस चीज़ों को समझेंगे नहीं
तो हमारे जो लोग हैं जो अंधाधुन जो वृक्षों की कटाई कर रहे हैं उससे कैसे बचाया जा सकता है, ये आने वाला हमारा ये जो बच्चे हैं आने वाले भविष्य हैं इनके द्वारा ही संभव हो सकता है। वहीं उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट के उपनिदेशक वरुण जैन ने बताया कि ऐसे आयोजनों से सभी को सीखने का अवसर मिलता है। ग्रामीण लोग हैं और जो इस अभ्यारण्य में जो भी जितने भी लोग हैं उनको जागरूकता फैलाई जाए कि कैसे जो है वनों एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण किया जाए। उल्लेखनीय है कि प्रदेश भर में वन्य प्राणी सुरक्षा संरक्षण संवर्धन सप्ताह के अंतर्गत 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है। शारदीय नवरात्र का पर्व प्रदेश भर में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालुगण जहां देवी मंदिरों तथा पांडालों में बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं भिलाई में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी द्वारा प्रदर्शित चैतन्य देवियों की झांकियां लोगों को आकर्षित कर रही है। झांकी को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। झांकी में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें धरती के गर्भ से प्रकट होती अष्टभुजाधारी माँ दुर्गा, गुफाओं से निकलती माँ काली, कमलासन धारी माँ लक्ष्मी, हंसवाहिनी माँ सरस्वती सहित 9 रूपों में लोग देवी दुर्गा के दर्शन कर पा रहे हैं। झांकियों के माध्यम से ईर्ष्या, लालच, नशा और लोभ जैसी मन की बुराइयों से बचने का संदेश भी दिया जा रहा है। ब्रह्म कुमारी प्राची ने बताया कि चैतन्य देवियों की झांकी के जरिए इंसानों को विपरीत परिस्थितियों का सामना कर आगे बढ़ने का ज्ञान दिया जा रहा है। ये अष्ट शक्तियां हैं जो हमारे जीवन में यदि होए तो हम निश्चित कितनी भी बड़ी परिस्थितियां, कितनी भी आसुरी वृत्तियां सबका हम नाश कर सकते हैं और सहज आगे बढ़ सकते हैं। तो इस बार इसी थीम को, इसको बहुत स्पष्ट रीति से हम लोगों को समझा पा रहे हैं, हम सफल हो रहे हैं और लोग यहां से परिवर्तन का एक संकल्प लेकर जा रहे हैं और साथ साथ चैतन्य रूप में देवियों का दिव्य दर्शन तो अपने आप में ही बहुत मन को छू जाता है। चैतन्य देवियों की झांकी देखने क्षेत्र के सांसद विजय बघेल भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि नवरात्र में देवी दुर्गा का 9 रूप हमें समर्पण और सहयोग की सीख देता है। सहयोग, सबके प्रति समर्पण, सबके प्रति श्रद्धा, स्नेह, प्यार, ये रखें, ये भाव नवरात्रि के पावन पर्व में हमें सिखाती है और इसी की दिव्य झांकी यहाँ ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हर साल अलग अलग रूपों में यहाँ एक झांकी रखी जाती है जो हमें ज्ञान देती है, हमें एक साथ जुड़ने की प्रेरणा देती है। बताया गया है कि 5 अक्टूबर से प्रारंभ हुई चैतन्य देवियों की झांकी का यह प्रदर्शन 11 अक्टूबर तक चलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राजनांदगांव के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेली गई 24वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता का आज रंगारंग समापन हो गया। समापन समारोह में अतिथियों ने विजेता एवं उपविजेता टीम को आकर्षक पुरस्कार से नवाजा। समापन समारोह के मुख्य अतिथि सांसद संतोष पांडे थे। जिला शिक्षा अधिकारी प्रभास बघेल ने बताया कि यह प्रतियोगिता 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक खेली गई है। प्रतियोगिता में 5 संभाग के करीब 1200 खिलाड़ी और कोच शामिल हुए और अपने खेल का जौहर दिखाया है। ये जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जो विजेता खिलाड़ी हैं और विजेता टीम है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल गेम के लिए और इन्हीं में से बच्चे खेलो इंडिया में भी आगे भविष्य में भाग लेंगे। ये उम्मीद है कि खेलों का आयोजन बहुत अच्छा हुआ है और स्विमिंग, जैसे आपको बताया, मुझे पहली बार मालूम हुआ कि स्विमिंग की प्रतियोगिता राजनांदगांव में पहली बार आयोजित हुई है, इससे पहले स्विमिंग की प्रतियोगिता कभी आयोजित नहीं हुई। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार है तब से खेल के प्रति संवेदना बढ़ी है। प्रदेश सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रही है। प्रदेश स्तरीय 3 से 6 अक्टूबर तक शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का मेजबानी राजनांदगांव ने किया है और इसमें सरगुजा से लेकर के पूरे दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर संभाग सभी ने भाग लिया। बहुत ही उत्साह के साथ आज समापन हुआ और उसमें जो प्रतिभागी विजयी हुए और लगभग सभी संभाग ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बताया गया है कि इस प्रतियोगिता में ऑल ओवर चैंपियनशिप का खिताब दुर्ग संभाग के नाम रहा, वहीं उपविजेता रायपुर संभाग रही। विजेता और उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को अतिथियों ने आकर्षक ट्रॉफी भेंट की है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।